सो गाइस, आ गए हम भैया की शॉप पे और ये शॉप का नाम है पैनासोनिक। सो यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए लेंस रखे हुए हैं और भैया की शॉप पे भीड़ देखो कितनी लगी हुई भीड़। सो इससे पता लगता है कि मतलब यहाँ पर कितने अच्छे DSLR मिलते हैं और वो भी कम प्राइस में और अच्छी कंडीशन में। सो और चीज़ देखते हैं चलिए। और ये ट्राईपोड रखे हुए हैं, ट्राईपोड, रिंग लाइट, जो मन चाहे आप ले सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। और यहाँ पर ये हमारे DSLRs हैं, SLRs हैं जो हमें देखने के लिए मिलेंगे वीडियो में। ऑल राइट गाइस, दिस यश, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो गाइस, बहुत टाइम से मुझे खुद के लिए अपना एक पर्सनल फोटोशूट के लिए एक कैमरा चाहिए था और व्लॉगिंग के लिए भी, जो फ्लिप हो सके स्क्रीन और जिससे मैं अच्छे से व्लॉग कर सकूँ। तो अभी जो क्लियरिटी आ रही है वो मेरे फ़ोन से शूट हो रही है। सो मैं सोचा क्यों ना अपने एक DSLR ले लूँ। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि आप चांदनी चौक से लो। तो चांदनी चौक में मैं जाने वाला हूँ और वहीं पर आपको दिखाऊँगा कि आप किस शॉप से आप ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी शॉप हैं जो आपको बेवकूफ़ बना सकती हैं और बहुत सी ऐसी शॉप हैं जो आपको महंगे कैमरे दे देंगे, ख़राब होगी क्वालिटी। बट मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वहाँ पर आपको क्वालिटी के साथ आपको वहाँ पर वारंटी भी मिलेगी। आपको जो भी कैमरा आप लेते हो उसकी आपको वारंटी के साथ आपको कंपनी देगी या जो भैया है वो हमें देंगे, ठीक है। तो वहीं चलने वाला है और देखते हैं हमें कितना कैमरा पड़ता है और कौन सा कैमरा वहाँ से लेकर आता हूँ। तो दोनों क्वालिटी मैच करेंगे, अभी फ़ोन से शूट हो रही है, फिर मैं कैमरे से करके देखूंगा और फोटोज़ भी खींच के देखेंगे यार कैसी फ़ोटोज़ आती हैं। सो यार, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं और वीडियो में देखते हैं। ऑल राइट गाइस, सो गाइस, मैंने वहाँ से कैमरा परचेज़ किया है। मैं ज़्यादा आपको मार्केट एक्सप्लोर नहीं करा पाया, बिकॉज़ रीज़न ये था कि कोरोना के चलते ज़्यादा अलाउड नहीं है बाहर इतनी ईजिली घूमना। सो ज़्यादा मैं वहाँ शूट नहीं कर पाया, बट मैंने वहाँ से कैमरा परचेज़ किया, आपको दिखा देता हूँ। सो इस तरह का कुछ बैग मिला मुझे वहाँ से, ये बैग है और इसके अंदर निकाल लेते अपना कैमरा। सो ये लिया मैंने, देखिए क्वालिटी देखो इसके आप। क्वालिटी देखो, कंडीशन प्योर ब्लैक है, ऐसे बना हुआ है। और इसकी जो मेन ब्लॉगिंग के लिए जो मुझे चाहिए था, तो ये देखो आप, ये स्क्रीन ये फ्लिप हो जाएगी, इसकी ये फ्लिप हो गई, ऐसे मैं अपना ब्लॉग शूट कर सकता हूँ। सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे तो ऐसे मैं अपना ब्लॉग भी शूट कर सकता हूँ और फोटो शूट भी करके देखेंगे इसमें क्या क्या क्वालिटी है इसकी। सो चेक करते हैं। सो पहले इसकी कंडीशन देखो आप, ये कैनन का है और ये 1200D मिला है मुझे। चलो इसके अंदर पहले बैटरी लगा लेते हैं। सो ये इसकी बैटरी मिली है और इसका प्राइस भी बताऊंगा आपको मैं कितने का मिला है आपको मुझे विद वारंटी। सो ये बैटरी है, ये इसमें हम लगाएंगे। इसका ये जैक है, खुलता है ऐसे और ये लग गई। और इसके साथ अगर आप थोड़ी बार्गेनिंग करोगे वहाँ पे तो आपको ऐसा एक स्लॉट भी मिल जाएगा, कहीं 20-30 रुपये का मार्केट में मिल जाएगा। मैंने सैमसंग का लिया है तो मैं इसमें लगाऊंगा ये। ये लग गया। और मेमोरी कार्ड, एज यू नो, ये तीनों चीज़ें अभी इसमें लग चुके हैं। तो अभी इसे हम ऑन करते हैं और देखते हैं। ये बटन है इसका, कैमरा हो चुका है ऑन और इसकी देखते हैं अभी क्वालिटी कैसी है। ये तो मतलब ये 1200D है, ठीक है, उसको पूरा करके देखते हैं 1200D आता नहीं आता। ये तो क्या, पूरा 1200D है, कैसे दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखो पूरा 1200D है जो कि मुझे चाहिए था। इसे एक फोटो खींच लेता हूँ अपनी बैठे बैठे। इसको फ्लिप कर लेते हैं अभी, ये देखो। सो ये मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक मुझे, क्योंकि इसमें मुझे 2 साल की वारंटी मिली है। अगर इसमें कुछ भी जो डैमेज होगा वो हमारी साइड से होगा, बाकी इंटरनल जो भी चीज़ होगी इसकी वो कंपनी आपकी ठीक करके देगी। जिन भैया की शॉप से लिया था मैंने वो हमें ठीक करके देंगे। तो इसकी 3-4 क्वालिटी और देख लेते हैं, फ्लिप करके इसको चला के देखते हैं। चलो
सो उसकी मैं एक शूट करने वाला हूँ, शूट करके देखते हैं किससे ज़्यादा क्लियरिटी अच्छी आ रही है। और राइट गाइज, दिस यश, वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। सो गाइज, ये मेरा ब्लॉग है और जो ये वीडियो शूट हो रही है वो हमारे इसी कैमरे से हो रही है जो मैंने अभी परचेज़ किया है। सो क्वालिटी देख सकते हो आप, और थोड़ा उसको जूम आउट भी कर लेते हैं अगर पैसा खर्च किया तो। सो देखो, पिक्सल भी बिल्कुल नहीं फटेंगे आपके। सो इसकी क्वालिटी यहाँ तक मेरे हिसाब से बेस्ट लग रही है मुझे। सो अच्छा है, वर्थ इट है यार। सो गाइज, अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई, वर्थ इट है कैमरा। ये मुझे पड़ा, आप रेट बता दूँ, सही में बता दूँ रेट मुझे पड़ा है भाई ये मात्र 8,000 रुपये का। यस, मात्र 8,000 रुपये का। भैया कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा मैं, आप जाके वहाँ से देख लेना, देख सकते हो आप। सो ये मुझे मात्र 8,000 रुपये का पड़ा है, सिर्फ 8,000 रुपये का। इसमें आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हो, मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, आप फ़ोटो देखो पहले जो इस कैमरे से ली गई है। सो देखो पहले आप, सो गाइस आपने फ़ोटो देख ली होगी, और कैमरा भाई वर्थ इट है। ये देखो कंडीशन कितनी बिल्ड कंडीशन है इसकी, देखो प्रॉपर। मेरे हिसाब से तो वर्थ इट है भाई, वर्थ इट। सो अगर आपको कैमरा परचेज़ करना हो वहाँ से, सो आप परचेज़ कर लेना। इसकी एक दो वीडियो भी हैं, वो भी यार देखना चाहो तो आप देख लो। सो भाई, अगर कैमरा किसी को परचेज़ करना हो वहाँ से तो आप कर सकते हो, मतलब अगर कम रेट में चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर आप नया लेने जाओगे ना, या किसी दूसरे से भी लोगे, तो आपको यही 20 से 30 हज़ार का पड़ेगा कम से कम। सो मैंने 8,000 रुपये का परचेज़ किया है, और भाई वर्थ इट है मेरे हिसाब से तो। अगर ब्लॉगिंग करनी हो तो भाई ऐसे फ्लिप करा, ये कैमरा कर लिया, और ये हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो भाई मेरे लिए तो वर्थ इट है। बाकी कंडीशन सबसे अच्छी है इसकी, कंडीशन की बात करें तो हम, एक भी डेंट नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी, एक भी डेंट नहीं मिलेगा पूरे उसमें। बाकी अगर किसी को फोटोशूट के लिए चाहिए हो तो मैं ये बेस्ट सजेस्ट करूँगा आपको, फोटोशूट के लिए भी और प्लस वो ब्लॉगिंग के लिए भी, क्योंकि दोनों एक चीज़ से दोनों काम हो जाते हैं हमारे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, सो प्लीज़ कर देना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।